इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और लगन के लिए अप्रैल 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। तो ये आपके सामने यहाँ पर कुंडली प्रदर्शित हो रही है, ये धनु राशि और लगन दोनों के लिए ही है। जब हम गोचर को अप्लाई करते हैं तो चाहे राशि हो चाहे लगन हो, गोचर सेम ही अप्लाई होगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करने वाले हैं बृहस्पति के बारे में, क्योंकि आपके राशि स्थान या फिर लगन स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति 6 अप्रैल को मकर राशि को छोड़कर आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। तो ये जो गुरु की अब तक की जो स्थिति थी, बृहस्पति की जो ये स्थिति थी, वो आपके लिए धन से जुड़े मामलों में काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर शनि द्वारा इनका नीच भंग हो रहा था और आप लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में पैसा भी प्राप्त हुआ होगा और खर्चा भी साथ साथ हुआ होगा। इसके बाद 6 अप्रैल से जब ये आपके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे, तो जो लोग कोई जो पुस्तकालय का काम करते हैं, जो कोई राइटर हैं, जो कोई मीडिया में काम कर रहे हैं, जो कोई फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो ट्रेवल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी लाभ होगा। ये आपका लग्नेश जो है गुरु, ये आपको ट्रेवल दे सकता है, कोई छोटी ट्रेवल या कोई बड़ी ट्रेवल। साथ ही धार्मिक कार्यों का मन बहुत ज़्यादा रहेगा, भाग्य से ये साथ दिलाएगा, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी ये कालपुरुष की कुंडली में खुद है और यहाँ पर ये क्योंकि सूर्य की राशि सिंह को देखेगा तो सिंह राशि गुरु को काफ़ी प्रिय है, तो आपकी फादर के साथ अच्छी बनेगी। दूर के स्थानों से आपको फ़ायदा होगा, दूर की यात्राओं से लाभ होगा। इसके अलावा आपको पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा ये गोचर रहने वाला है। तो जो लोग जैसे कोई स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जो लोग विशेषकर हायर एजुकेशन में हैं या आप चाहे आप स्कूल लाइफ में हैं या कॉलेज में हैं, तो आपके लिए गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये गुरु यहाँ पर कुंभ में गोचर कर रहे हैं जो कालपुरुष की कुंडली में 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए गुरु को यहाँ पर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ये जो स्थिति है गुरु की, वो आपको किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बचाएगी। इसके अलावा आपके भाई बहनों के साथ आपका कोई संबंध इस समय में बन सकता है, कोई संबंध जुड़ सकता है, उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है, संबंध बेहतर हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर जो थर्ड के स्वामी हैं, थर्ड हाउस के स्वामी शनि, वो खुद की ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय में आप धन कमाने के लिए बहुत सारे ट्रेवल कर सकते हैं और मेहनत आप काफ़ी करेंगे। वैसे गुरु जैसा जो ग्रह है वो हमेशा मेहनत करने से बचता है, शॉर्टकट तरीक़ों से काम करने की कोशिश करता है, पर राहु की तरह नहीं, वो निश्चित रूप से जो लीगल तरीके होते हैं उनको ढूंढता है। तो हो सकता है आप कई कई बार इस समय में मेहनत करने से थोड़ा जी चुराएं और जो काम आप इजीली कर सकें उन कामों में ज़्यादा हाथ डाल सकते हैं। यहाँ से गुरु सप्तम स्थान को देखेंगे, तो सप्तम स्थान को देखने से आपके लिए ये समय किसी मैरिज का टाइम भी इस समय हो सकता है, क्योंकि यहाँ से देखिए पंचमेश आपके सप्तम में गोचर करेंगे, तो ये कोई किसी के साथ लव मैरिज कर सकते हैं आप, प्रेम संबंध बनेगा किसी के साथ। साथ ही मंगल यहाँ से आपको मांगलिक भी बना रहे हैं गोचर से, तो ये थोड़ी तकलीफ भी देने वाले हैं मैरिड लाइफ में। तो गुरु का सप्तम स्थान को देखना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए और इस समय शादी का एक अच्छा योग आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। साथ ही यहाँ से गुरु जो कि 9th हाउस के अलावा देख रहे हैं आपके लाभ स्थान को, तो लाभ स्थान को देखने से धन की वृद्धि करवाएंगे। आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है पर लाभ जरूर होगा। आपको अपने सामाजिक जो नेटवर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का समर्थन मिलेगा। अगर आप कोई ऐसे काम में जुटे हैं जहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिव स्किल से भी आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है इस कार्य में। तो गुरु का जो ट्रांजिट है काफ़ी अच्छा रहेगा और 4th हाउस के स्वामी भी गुरु हैं, तो 4th हाउस के स्वामी होने की वजह से आप घर के कार्यों में काफ़ी मेहनत करेंगे इस समय में और आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शनि की। शनि जो कि अपनी खुद की ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये शनि आपके जो जाता जाता शनि है ये काफ़ी अच्छा रहेगा धन के मामलों में। इसके अलावा शनि को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप अगर सही तरीके से पैसे को कमाएंगे तो शनि आपको काफ़ी कुछ देने वाले हैं, अदरवाइज आप इलीगल तरीके यूज़ करेंगे, शॉर्टकट कोई तरीका इस्तेमाल करेंगे
तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। शनि यहाँ से आपको प्रॉपर्टी में लाभ देने वाले हैं, आपके इन लॉज से या आपके फादर से, और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर शनि देने ही वाले हैं। तो हो सकता है शनि के सेकंड हाउस में होने से आप थोड़ा कम बोलें इस समय में, और ये जो समय है इसमें आपकी कुछ आदतें ऐसी हो सकती हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा कड़े रहें, मतलब आप अपनी आदतों को बिल्कुल भी ना बदलें। इसके बाद हम आते हैं सीधा यहाँ पर आपके पंचम हाउस में। तो पंचम के जो स्वामी हैं मंगल, वो ट्रांजिट करेंगे 13 अप्रैल तक वृषभ में राहु के साथ। इस समय में आपका अपने ननिहाल पक्ष से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, आपके ननिहाल पक्ष में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर। अगर पहले से कोई विवाद चल रहा है तो और थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा मंगल इनके राहु के साथ होने की वजह से आप कोई अगर कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे काफ़ी अच्छे से क्लियर करेंगे, काफ़ी अच्छे से निपटेंगे। इसके साथ ही आपको शत्रुओं का डर भी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो राहु मंगल की युति सिक्स्थ हाउस में काफ़ी अच्छी भी कही जाएगी, पर जो लोग ऑफिस में कहीं काम करते हैं उनके लिए एक कोई बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, या यूँ कहें कि आपको कोई ऐसी अपमानजनक स्थिति को झेलना पड़ सकता है, या अपने सहकर्मियों के साथ कोई विवाद आपका बन सकता है इस समय में। तो ये जो मंगल का ट्रांजिट रहेगा ये यहाँ पर आपको इस प्रकार का रिजल्ट देगा। साथ ही मंगल जो कि आपके ट्वेल्थ हाउस के स्वामी हैं, ट्वेल्थ हाउस के स्वामी होने की वजह से आपको मैरिड लाइफ में भी ये दिक्कत करने वाले हैं मंगल यहाँ से। इसके बाद ये चले जाएंगे सेवन्थ हाउस में। सेवन्थ हाउस में जाने के बाद आपके लिए इनकी स्थिति यहाँ अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि गोचर से आपको मांगलिक बना रहे हैं। साथ ही साथ आप अगर कोई इस समय में पार्टनरशिप करते हैं तो आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी के साथ, अपने खुद के लाइफ पार्टनर के साथ भी आपका विवाद ये मंगल करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आक्रामक बना देंगे आपके लाइफ पार्टनर को। इसके साथ ही आपकी हेल्थ के लिए मंगल यहाँ पर अच्छे हैं, आप किसी भी काम को करते समय इस दौरान बहुत जल्दबाजी ना करें, अदरवाइज़ आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। मंगल यहाँ से सेकंड हाउस को भी देखेंगे तो वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना होगा। मंगल यहाँ से देखेंगे आपके टेंथ हाउस को, तो टेंथ हाउस पर इनकी दृष्टि होने से आपके लिए हो सकता है कि आपको अपने जॉब के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आक्रामक बना दें, मेहनत काफ़ी आपको ये करवाने वाले हैं जॉब के लिए। तो ये जो गोचर है मंगल का वो काफ़ी अच्छा भी है, और कुछ बातों में, कुछ मामलों में ये आपके लिए ख़राब भी रहने वाला है। इसके बाद हम आते हैं आपके सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 9 अप्रैल तक मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो आपके घर के सुख में वृद्धि करेंगे। हो सकता है इस समय में आप घर में कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण वस्तु हो, बहुत आरामदायक सुखदायक वस्तु हो, उसको लेकर आ सकते हैं। शुक्र का फोर्थ हाउस में होना निश्चित रूप से आपके घर के सुख में, आपके मानसिक रूप से सुख में वृद्धि करेगा, सुकून मिलेगा, घर पर आप आनंद ले पाएंगे, घर पर कोई आप कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, या यूँ कहें कि आप काफ़ी ज़्यादा इस समय को एंजॉय कर सकते हैं घर पर किसी भी तरीके से, जो भी तरीका आप इसके लिए अपनाना चाहें। इसके अलावा शुक्र यहाँ से देखेंगे आपके टेंथ हाउस को, तो अपनी नीच की राशि को देखेंगे उच्च का होके, तो आपको जॉब में अच्छी हेल्प करेंगे। अगर आप कोई ऐसे फील्ड में हैं जैसे जैसे आप संगीतकार हैं, या फिर आप कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं एक्टिंग जैसे कार्य कर रहे हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद जो शुक्र हैं 10 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में प्रवेश करने के बाद ये आपको प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता देंगे, आपकी क्रिएटिविटी में वृद्धि करेंगे, साथ ही आपको शेयर मार्केट वगैरह से लाभ करवाएंगे, धन का लाभ जरूर होगा। यहाँ से शुक्र लाभ स्थान को देखेंगे तो धन की वृद्धि भी करने वाले हैं, लाभ की वृद्धि करने वाले हैं, साथ ही प्रेम संबंधों और संतान से अच्छा सहयोग आपको रहने वाला है। तो एजुकेशन के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें बुध की, तो बुध 1 अप्रैल से मीन राशि में रहने वाले हैं। बुध जो कि आपके लिए सेवन्थ लॉर्ड हैं और टेंथ लॉर्ड हैं, इनका यहाँ नीच का होना थोड़ी बहुत दिक्कत आपको दे सकता है, लेकिन ये अपनी ही राशि को देखेंगे तो जॉब में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको। हो सकता है कोई पारिवारिक मामले को लेकर दिक्कत हो या आपकी वाणी को लेकर दिक्कत हो। इसके अलावा बुध जब मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो बुध का ये प्रवेश 10 अप्रैल से होगा मेष राशि में। बुध यहाँ पर आने के बाद आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी जो स्किल्स हैं, जो मेमोरी है, वो काफ़ी अच्छी होगी,
आप पढ़ाई में काफ़ी मन लगाएंगे इस समय में और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे बुध के। तो ये जो बुध है, मेष राशि का बुध, संतान में थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकता है। संतान के लिए यहाँ पर बुध अच्छा नहीं है, पर आपके लिए, खुद की एजुकेशन के लिए, आपकी कोई स्किल के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। साथ ही क्योंकि बुध आपके लिए 10th लॉर्ड है, तो हो सकता है आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करें अपने काम में, अपने जॉब में। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी कही जा सकती है यहाँ पर बुध की। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में रहने वाले हैं, तो मीन का जो सूर्य है आपको जॉब में काफ़ी हेल्प करेगा, सरकारी मदद मिल सकती है, घर के कार्यों में आप काफ़ी अच्छा करेंगे। इसके अलावा विशेष रूप से जो लोग इस समय सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके सभी कार्य बनने वाले हैं। और जॉब के मामले में, अपने जो भी आप कार्य करते हैं उसके मामले में सूर्य यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद सूर्य हो जाएगा उच्च का आपके 5th हाउस में। तो 5th हाउस में उच्च का सूर्य होने से संतान के मामले में, आपकी एजुकेशन के मामले में भाग्य साथ देगा और भाग्य से ही आपकी जॉब भी लग सकती है। तो भाग्य का साथ मिलेगा और बहुत ही अच्छा सूर्य का ये गोचर इस बार आपको रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से सूर्य का गोचर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस यहाँ पर देगा। 10th हाउस को ये यहाँ से देखेगा 4th से, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है सूर्य। और इस पूरे मंथ में अगर धनु राशि और लगन के लिए हम बात करें, तो धन की वृद्धि होगी, जॉब में काफ़ी अच्छा रहेगा, भाग्य साथ देगा, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है ज़्यादा। थोड़ी बहुत यहाँ पर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है और आपको बेडरूम का सुख थोड़ा कम मिलेगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति बन सकती है। थोड़ा बहुत यहाँ पर हो सकता है कि आपको फैमिली के साथ भी थोड़ा मनमुटाव रहे, क्योंकि मंगल एक तो 2nd हाउस को देखेंगे, दूसरा यहाँ पर शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे इस मंथ में आपके लिए कुछ ऐसे दिनों की जो आपके लिए विशेष परेशानी भरे रहने वाले हैं। तो चंद्रमा जब ट्रांजिट करेंगे आपके लिए वृषभ राशि में 15 और 16 अप्रैल को, इस समय में आप कार्यस्थल के किसी भी विवाद से दूर रहें, प्रॉपर्टी के मामले में जो भी आपके विवाद हैं उनसे दूर रहें। आपको इस समय सेहत का जो खतरा है, सेहत खराब होने का खतरा रह सकता है। इसके अलावा इस समय में किसी से भी विवाद ना पालें और धन का लेन देन किसी के साथ ना करें। जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे अपनी खुद की राशि में 20 और 21 अप्रैल को आपके 8th हाउस में, ये समय में मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। आपको किसी अनर्गल के कार्य की वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी हो सकती है, बर्डन आपके ऊपर बढ़ सकता है। चंद्रमा जब ट्रांजिट करेंगे स्कॉर्पियो में 28 और 29 को, यह स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होगी। कोई बड़ा फैसला लेने के लिए, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए ये स्थिति बहुत ही ख़राब कही जा सकती है। इस समय में अगर विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं आप, तो फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। तो ये कुछ आपके लिए 6 दिन ऐसे हैं जो परेशानी भरे रहने वाले हैं धनु राशि और लगन वालों के लिए।